जय हिंद दोस्तों, मैं इनकेत कुमार बिहार कृषि कॉलेज सबौर भागलपुर से एग्री गाइडेंस के इस यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत करता हूं। अगर आप क्लास 11 के स्टूडेंट हैं तो भी आप लोग के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप अगर बीसीसी की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि बीसीसी के एग्जाम में क्लास 11 के चैप्टर से सेम टू सेम क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इस चैप्टर से भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। जब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ इंडिया एंड बिहार, ठीक है, भारत एवं बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र, इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि कृषि जलवायु क्षेत्र क्या होता है तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं एग्रो क्लाइमेटिक जोन। इसकी डिफिनेशन दिया हुआ है, कृषि जलवायु क्षेत्र भूमि की एक इकाई है जिसकी अधिकांश जलवायु दशाओं में समानता रहती है, ताकि एक निश्चित फसलों एवं प्रभेदों के समूह के लिए अनुकूल होती है। क्या होता है, जैसे क्या इंडिया एक बहुत बड़ा जो है क्षेत्रफल वाला देश है, तो अलग अलग वहाँ क्लाइमेटिक कंडीशन के समानता और विषमता के आधार पर उसको अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड कर देते हैं, ताकि हम वहाँ पर अध्ययन कर पाए कि वहाँ पर कौन कौन से फसल उग पा रहा है, कौन सा फसल उगने में वहाँ पर कठिनाई हो रहा है, तो इन सभी कारण उसको अलग अलग जोन में अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, तो उसी को कहा जाता है एग्रो क्लाइमेटिक जोन। आगे एग्रो इकोलॉजिकल जोन, जिसको हिंदी में बोलते कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र, ठीक है, इसको आप लोग को ध्यान रखना है। क्या है, कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र कृषि जलवायु क्षेत्र की तरह ही पृथ्वी की सतह पर भूमि की एक इकाई है जिसका निर्धारण सूक्ष्म जलवायु दशाओं जैसे जलवायु, मिट्टी, उपलब्ध जल क्षमता, फसलों के उगने की अवधि के चलते बने विभिन्न परिस्थितियों पर की गई है। अगर आप क्लास 11 के स्टूडेंट हैं तो इनको डिफिनेशन को आप लोग याद कर लीजिए। अगर आप बीसीसी के एग्जाम दे रहे तो आप लोग को इनका डिफिनेशन को याद करने का कोई भी आवश्यकता नहीं है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मैंने इसे चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं उनको कॉपी में सबसे पहले लिख रखा हूँ, तो हम लोग जो है वन बाई वन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते और जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला है कि ACRP और जितने भी फुल फॉर्म वाले चीज़ होते हैं, अगर आप हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट हैं तो फुल फॉर्म आप लोगों को कम से कम हिंदी में नहीं पढ़ना है, इंग्लिश में पढ़ना है, क्योंकि जब आप आगे कॉलेज में जाते हैं तो चीज़ें इंग्लिश में ही पढ़ाई होती है। तो खैर, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल एग्री गाइडेंस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर में क्या क्या हो रहा है उसकी सारी जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल पर समय समय पर दी जाती है। तो हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो ACRP का फुल फॉर्म होता है एग्रो क्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग, ठीक है, यह जो है योजना आयोग के द्वारा 1988 में 7वीं पंचवर्षीय योजना में इसका जो है स्थापना किया गया था। तो इसको आप लोग ध्यान रखना है कि ACRP का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका स्थापना कौन किया, कब हुआ, ठीक, किस पंचवर्षीय योजना में हुआ, इन सभी पॉइंट को आप लोग को याद रखना है। अगर हम बात करें कि भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल, ये भारत के पास कुल कितना ज़मीन है, तो वो है 328.74 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है, पूरा लिखा हुआ यहाँ पर, इसको शॉर्ट में बोलते हैं मिलियन हेक्टेयर, यहाँ पर M कैपिटल होगा, ठीक है, मिलियन हेक्टेयर यानी कि M कैपिटल होगा मिलियन हेक्टेयर। उसके बाद इसी को अगर हम जो है ना लगभग में लिखें तो इसको बोलते 329 मिलियन हेक्टेयर। उसके बाद है शुद्ध बोया जाने वाला क्षेत्र, शुद्ध बोया जाने वाला क्षेत्र को इंग्लिश में बोलते हैं नेट कल्टिवेटेड एरिया या नेट सोन एरिया, ठीक है। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास 1 हेक्टेयर ज़मीन है, आपके पास 2 हेक्टेयर ज़मीन है, किसी के पास 5 हेक्टेयर ज़मीन है, किसी के पास 10 हेक्टेयर ज़मीन है, किसी के पास 0.5 हेक्टेयर ज़मीन है, जहाँ पर हम लोग खेती कर रहे हैं, ठीक, खेती वाला ज़मीन, तो उन सभी को जोड़ के जो हमारा ज़मीन होता है उसको बोलते हैं शुद्ध बोया जाने वाला क्षेत्र। मतलब एक्चुअल में कितना ऐसा हमारे पास ज़मीन है कि कितना भूमि है जिस पर हम खेती कर रहे हैं, तो वो भारत में अगर बात करें तो वह भारत में 143 मिलियन हेक्टेयर। इस सभी पॉइंट को आप लोग याद रखना है। शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल, सिंचित का मतलब हुआ कि कहाँ कहाँ पर हम जो है ना पानी पटा के खेती कर रहे हैं। देखिए सिंचित का मतलब होगा इरीगेटेड, ठीक है, तो इरीगेशन का मतलब क्या होता है कि आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर, कि हम खुद से कितना कितना पानी पटा रहे हैं उसको बोलते क्या है सिंचित, तो वो है 76 मिलियन हेक्टेयर में, और यह जो है लगभग मतलब कि 33% आता है। आगे है
आगे जो हमारा जो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट और इससे ही क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार, एक बार नहीं बहुत बार और आगे के कम्पिटेटिव एग्जाम में भी याद, इसको आप लोग जो है याद कर लें, VVI पॉइंट है। प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन का हिंदी होता है योजना आयोग, ठीक है। प्लानिंग कमीशनर ने इंडिया को टोटल जो है 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड किया गया है, किसके बेसिस पर, तो बेस्ड ऑन रेनफॉल, मतलब कि वर्षा, टेम्परेचर, तापमान, सॉइल, मृदा, टोपोग्राफी, वाटर रिसोर्सेज, कहाँ पर कितना पानी है, क्रॉपिंग सिस्टम, ठीक है। इन सभी के बेसिस पर जो है ना प्लानिंग कमीशन ने भारत को 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड किया गया। तो इससे यह क्वेश्चन आता है कि भारत को प्लानिंग कमीशन के अनुसार कितना एग्रो क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड किया गया, तो वो है 15। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है और आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखना है। आगे है ICAR ने नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट यानी कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना की स्थापना की, ठीक है। उसने इंडिया को जो है टोटल 127, ठीक है, 127 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड किया गया, लेकिन अभी भी जो बिहार बोर्ड का जो बुक है उसमें 120 दिया गया, लेकिन यह अपडेटेड है कि अभी जो 127 यानी कि 127 एग्रो क्लाइमेटिक जोन हो गया है, किसके अनुसार, ICAR के अनुसार, ठीक है। अगर पूछा जाए कि आप प्लानिंग कमीशन के अनुसार तो हो जाएगा 15, अगर पूछा जाए कि ICAR के अनुसार तो क्या हो जाएगा, 127, ठीक है। तो पहले जो था वो था 127 यानी कि 127 था, लेकिन अभी क्या हो गया, वो 131 को हो गया है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखना है कि योजना कि ICAR ने जो है पूरे भारत को 131 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है और अक्सर स्टूडेंट कन्फ्यूज कर जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कि जो टोटल हमारे पास 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स थे, उसको फिर जो है 72 उपक्षेत्र यानी कि सब जोन्स, और फिर उसको जो है 436 जिला यानी कि डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया। सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अगर हम आगे बात करें तो नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग जो है वो इंडिया को 21 एग्रो इकोलॉजिकल जोन में डिवाइड किया गया, फिर उसको जो है फर्दर जो है पुनः जो है 60 एग्रो इकोलॉजिकल सब रीजन्स में डिवाइड किया गया, उसी को शॉर्ट फॉर्म बोलते AESR, एग्रो इकोलॉजिकल सब रीजन्स में डिवाइड किया गया। यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया को कितने एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स में डिवाइड किया गया, तो वो हो जाएगा 21, किसके अनुसार, तो नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग के अनुसार। अगर हम बात करें कि अकॉर्डिंग टू ICAR ने जो है इंडिया को कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड किया गया, तो वो है 8, ठीक है। इसको आप लोगों को, दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में जो है, यही दोनों क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है और कुछ आगे भी है जो इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोगों को हमेशा याद रखना है। आगे है बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल, जो हमारा बिहार राज्य है उसका जो क्षेत्रफल कितना है, 94.2 लाख हेक्टेयर है। अगर हम बात करें कि यहाँ पर कितने भूमि में खेती होती है, खेती की जाने वाली भूमि यानी कि जमीन 56.4 लाख हेक्टेयर है, ठीक है। अगर हम बात करें कि यहाँ पर कितने ज़मीन में जो पानी की उपलब्ध यानी कि कितना ज़मीन में सिंचाई उपलब्ध है, वो है 35.2 लाख हेक्टेयर, ठीक है। तो बिहार को जो है ना मृदा तापक्रम फसल पद्धति यानी कि सॉइल टेम्परेचर एंड क्रॉपिंग पैटर्न के बेसिस पर जो है 3 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बिहार को कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड किया गया, 3, ठीक है। कौन कौन है, तो इसमें है सबसे पहला है एग्रो क्लाइमेटिक जोन 1, उसी की हिंदी में बोलते हैं कृषि जलवायु क्षेत्र 1, ठीक है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि किसमें कितना जिला है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और यही क्वेश्चन जो BCC के एग्जाम में आता है। तो एग्रो क्लाइमेटिक जोन में कुल जो है 13 जिला है और वहाँ की जो मिट्टी पाई जाती है उसका pH मान का जो रेंज है वो 6.5 से 8.4 है। वहाँ की जो मिट्टी, ये भी आप लोग को ध्यान रखना है, वहाँ की जो मिट्टी है वो बलवाही दोमट से दोमट प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। जो मुख्य फसल प्रणाली है उसमें जो क्रॉप के जो हम खेती करते हैं वो हमारा जो धान और मक्का पर आधारित हम लोग जो है फसल प्रणाली अपनाते हैं। इसमें मेनली आप लोग को कम से कम ध्यान रखना है कि कितना जिला है, ठीक है, और वहाँ कौन सा क्रॉप को हम लोग लेते हैं। आगे हैं एग्रो क्लाइमेटिक जोन 2 यानी कि कृषि जलवायु क्षेत्र 2, ठीक है। इसमें कुल 8 जिला है और इसका pH मान जो है 6.5 से 7.8 के बीच है। यहाँ पर मिट्टी की बात करें तो दोमट बलवाही से केवल दोमट मिट्टी पाई जाती है। अगर बात करें कि मुख्य फसल प्रणाली की कि कौन कौन से क्रॉप यहाँ पर लेते हैं, तो धान और जूट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, इसको भी आप लोग याद रखें, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि बिहार में जितना भी जूट का उत्पादन होता है तो
कुल जूट उत्पादन में बिहार में 90% जो है जूट कृषि जलवायु क्षेत्र 2 से ही आता है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछ सकता है कि बिहार में कुल जूट उत्पादन में सबसे अधिक किस कृषि जलवायु क्षेत्र का योगदान है, तो वो हो जाएगा एग्रोक्लाइमेटिक जोन 2, ठीक है, जिसमें कुल 8 जिला है। आगे बात करते हैं कृषि जलवायु क्षेत्र 3 के बारे में, इसमें कुल जो है 17 जिला है। तो यह भी क्वेश्चन आता है कि किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिला है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, कृषि जलवायु क्षेत्र 3। इसका पीएच मान जो है 6.8 से 8.0 तक है, और जहाँ जहाँ क्या होता है, जहाँ जहाँ हम लोग धान की खेती करते हैं वहाँ पर जिंक और सल्फर की कमी पाई जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, ठीक है। आगे बात करें, दियारा और ताल क्षेत्र भी जो है ना कृषि जलवायु क्षेत्र 3 में ही आता है। ताल क्षेत्र का आकार कैसा होता है, कटोरी नुमा, ठीक है, यानी कि इसको बोलते हैं इंग्लिश में बाउल शेप्ड, इस टाइप होता है, ठीक है। ताल क्षेत्र का अगर बात करें मुख्य फसल, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये है चना और मसूर। अगर हम बात करें कि दियारा क्षेत्र का, तो यहाँ है मक्का, गेहूँ और परवल। आगे हम बात करें कि कृषि जलवायु क्षेत्र 3 को जो है 2 भाग में डिवाइड किया गया, थर्ड ए और थर्ड बी, ठीक है। थर्ड ए में जो कुल 6 जिला है, थर्ड बी में कुल 11 जिला है। अगर थर्ड ए का बात करें मुख्य फसल की, वो धान है, अरहर है, अंडी है, मक्का और मूंगफली है, ठीक है। अंडी का साइंटिफिक नेम क्या होता है, रिसिकस कॉमुनस। और कृषि जलवायु क्षेत्र में कुल जो है 11 जिला है, जिसका मुख्य फसल है धान, अनाज, ठीक है, और अंडी। अब हम बात करते हैं कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की, जिनसे बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सर्वाधिक रकबा, देखिए रकबा का मतलब होता है जमीन, क्या होता है जमीन, ठीक है, कि सबसे अधिक जो है ना किसके पास जमीन है, तो वह है कृषि जलवायु क्षेत्र 1 के पास, ठीक है। सर्वाधिक जो लैंड है, सर्वाधिक जो भूमि है, वह किसके पास है, मतलब किस जोन के पास है, तो वह है कृषि जलवायु क्षेत्र 1 के पास, ठीक है। शुद्ध सर्वाधिक शुद्ध खेती का रकबा, मतलब कि ऐसे कितने जमीन है जहाँ पर केवल खेती होती है, तो कृषि जलवायु क्षेत्र 1 के पास क्या है, शुद्ध, मतलब कि सबसे अधिक शुद्ध खेती का रकबा इनकी जमीन है। अगर हम बात करें सर्वाधिक फसल तीव्रता, क्रॉपिंग इंटेंसिटी सबसे अधिक किसका है, तो वह कृषि जलवायु क्षेत्र 2 का है। सर्वाधिक शुद्ध सिंचित रकबा, तो वह जो है कृषि जलवायु क्षेत्र 3B का है, जिसका परसेंटेज में बात करें तो वह है 77.3%। लेकिन अगर हम जमीन में बात करें, ठीक है, तो वो है 16.76 लाख हेक्टेयर। और सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होता है, तो कृषि जलवायु क्षेत्र 2 में, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि कृषि जलवायु क्षेत्र 1 में जो है जमीन सबसे अधिक है, और शुद्ध खेती का जमीन भी सबसे अधिक, ठीक है। फसल तीव्रता सबसे अधिक जो है 2 में है, और सबसे अधिक वर्षा भी 2 में होता है, और 3B में क्या कि सबसे अधिक शुद्ध सिंचित क्षेत्र यानी कि रकबा उसके पास जमीन है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मैंने इस वीडियो में जितने भी पॉइंट को बताया, आप लोग को सभी पॉइंट को लिख के एकदम कॉपी में याद कर लेना है। और BCC की अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा अगर आप इस प्रकार से पढ़ते हैं। तो अगर यह वीडियो आप लोग अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।